कांग्रेस में गुटिये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोई राहुल गांधी को खत लिख रहा है तो कोई सोनिया गांधी को खत लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के आलाकमान को खत लिखने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में कांग्रेस का सियासी मिजाज गर्म नजर आ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी उठापटक जग जाहिर है। अब यह गुटबाजी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के समर्थकों के बीच खुलकर सामने आ गई है। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सरगुजा जिले के कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर एनएसयूआई के नेता दीपक गुप्ता की हत्या का आरोप लगाया है। नीरज पांडे ने इस मामले में राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है, जिसमें सरगुजा जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। राकेश गुप्ता ने आज राजीव भवन अंबिकापुर में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में नीरज पांडे पर उन्हें सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। एनएसयूआई के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर एनएसयूआई नेता दीपक गुप्ता की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि 14 नवंबर 2021 को अंबिकापुर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के ठीक पहले कांग्रेस के सरगुजा जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने राजीव भवन में नो पोस्टर जोन होने की बात कहकर यहां पोस्टर बैनर हटवाने को कहा था। इससे नाराज एनएसयूआई के कुछ पदाधिकारियों ने राकेश गुप्ता के पोस्टर बैनर फाड़कर वहां मौजूद छात्र छात्राओं से मारपीट की। आरोप है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की कार रोककर मारपीट की, जिसमें दीपक गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता और कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के द्वारा लगाए गए आरोप उन्हें सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश है। वहीं एआईसीसी मेंबर सुनील अग्रवाल और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय डोसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोनों ने खत में लिखा है कि नीरज पांडे द्वारा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उनके समर्थकों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, साथ ही सरगुजा में पैलेस को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पार्टी के प्रोटोकॉल के विरोध मीडिया के माध्यम से बयान जारी करके पूरी कांग्रेस परिवार और पार्टी का नाम धूमिल किया गया है। बीते महीने सरगुजा में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि दो आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।